नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेरी बर्मी कंपोस्ट की इस नई यूनिट की, जिसमें आप देख रहे हैं ये शानदार मेरा इसका उद्घाटन हो चुका है। नई बर्मी कंपोस्ट की मेरी यूनिट लग चुकी है, तो इसके बारे में मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ प्रोसेस के बारे में। जैसे आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैंने इसमें ये पॉलीथीन बिछाई हुई है, ब्लैक वाली, पतली वाली, जो कि सस्ती आ जाती है, लगभग 18 फीट की जिसकी चौड़ाई होती है और 100 फीट लंबी, तो वो लगभग 900 से 1000 रुपये के आसपास आती है। तो इस तरह की मैंने दो पॉलीथीन खरीदी थी, जिनका लगभग की वो 2000 रुपये की मेरी आ गई। उसके बाद में मैंने ये किया कि इसमें ये मेरा बेड, आप देख रहे हैं बेड, आप देख सकते हैं इस तरह से ये बेड बनी हुई है, वो बेड भी बनी हुई है और ये बेड मेरी बन चुकी है। तो लगभग ये मेरे अगर 30x3 की बेड देखें तो ये लगभग मेरी 50 बेड के समथिंग इधर हैं, और यहाँ भी लगी हुई है मेरी बेड। और आप आगे देख रहे हैं जो मेरा बेड है, बेड बन रही हैं और गोबर भी आ रहा है, तो ये इस तरह से इसमें काम चल रहा है। तो इसका प्रोसेस ये है कि जैसे ये मेरी बेड बनी हुई है, ये उसके बाद में मैंने बेड बना दी है, लगभग 1.5 फीट ऊंची है और लगभग 2.5 फीट चौड़ी है, 2.5 से 3 फीट की लगभग इसकी चौड़ाई है। उस ये बेड बनने के बाद में मैंने यहाँ पर क्या किया है कि ये गनी बैग से ढकी है, उससे पहले मैंने इसके अंदर केंचुए डाल दिए हैं। केंचुए डालने के बाद में उनको मैंने हल्का सा फिर से गोबर किया, और उस गोबर के ऊपर केंचुए डालने के बाद में फिर हमने ये गनी बैग से ढका है, और इन गनी बैग को हमने पहले गीला किया था, तो इसके पश्चात हमने इनको ढक दिया है। और क्योंकि अभी गर्मी का समय है, तो मैं इसमें सुबह शाम हम दोनों समय पानी देना होता है, ताकि जिससे केंचुओं को परेशानी नहीं हो। तो इस तरह से इस पूरी प्रोसेस को मैं कर रहा हूँ। और आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं मेरा जो ये गिलकी का फील्ड है, ये शानदार फील्ड है और बहुत ही शानदार क्वालिटी का इसमें प्रोडक्शन निकल रहा है। उसका कारण ये है कि मैंने जो इसमें बर्मी कंपोस्ट उपयोग कर रहा हूँ। और उसके आगे भी आप देखेंगे तो मेरा टमाटर का फील्ड है, मैं एक को आपको एक बार इसमें दिखा दूंगा, या मेरे आप अगले वीडियो में भी मैं दिखाऊंगा। तो इस तरह से मैं बर्मी कंपोस्ट अपना खुद का बना रहा हूँ, बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन निकल रहा है, और उसको मैं बाजार में सेल भी कर रहा हूँ और अपने उपयोग के लिए भी अपनी खेती में भी उपयोग कर रहा हूँ, जिससे आसपास के लोगों को भी जानकारी मिल रही है, उनको भी समझ में आ रहा है कि बर्मी कंपोस्ट कितने फायदेमंद है फसलों के लिए और किसानों के लिए भी। तो दोस्तों, आइए मैं आपको एक बार इसका जो केंचुए डालने की प्रोसेस बता देता हूँ कि किस तरह से आपको केंचुए डालने होते हैं नई बेड के ऊपर, और फिर हम आगे की प्रोसेस भी और समझेंगे। ये मैंने केंचुए निकाल के एक तरफ किए हुए थे। इन बेड में आप देखेंगे सिर्फ केंचुए ही केंचुए हैं, इसमें ये देखिए केंचुए हैं। तो इनका सिंपल सा तरीका है, ये मेरी बेड जो बनी हुई थी, इस बेड के ऊपर मैंने इसमें पहले पानी दे करके इनको ठंडा कर दिया था, और अब हल्का हल्का सा मैं इस तरह से इसमें आप ये केंचुए डाल देता हूँ, ये डाल रहा हूँ मैं केंचुए। दोस्तों, इस तरह से ये केंचुए डालने के बाद में आपको ये मैंने गनी बैग लिया, और इसको इस तरह से आपको ढकते जाना है, तो ये पूरी बेड इस तरह से ढक जाएगी। और ये गनी बैग जो होते हैं वो सबसे अच्छे हैं इनको ढकने के लिए, क्योंकि ये लंबे समय तक मॉइस्चर को रिटेन कर लेते हैं, और इनसे ये जो क्या होता है कि ये तेज़ धूप में भी इनके अंदर धूप नहीं जा पाती है, और इसमें बर्मी कंपोस्ट में भी कुछ मिक्सचर नहीं होता है। अच्छा, आपने गनी बैग ढकने के बाद में आपको पानी देना है, और गर्मियों में तो सुबह शाम आपको पानी देना पड़ेगा, सर्दियों में आप 2 दिन छोड़ के दे सकते हैं, बरसात में जब बरसात नहीं हो तब पानी दें। तो इस तरह से इसकी पूरी प्रक्रिया को आपको चलानी होगी, और इसी तरह की ये आप पूरा एक बार थोड़ा यूनिट का लोकेशन लुक दिखा दीजिए। ये मेरा शानदार यूनिट लग चुका है, इस तरह से ही इसकी प्रोसेस रहती है। इसके बाद में लगभग 2.5 से 3 माह में ये तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद में आपको पहली परत उतारनी है उस 2.5 महीने बाद, उसके पश्चात में आप 10-10 दिन के अंतराल से परत उतार सकते हैं। तो लगभग 3 परत में आपका पूरा बर्मी कंपोस्ट निकल जाता है, और उसके पश्चात आप अलग अलग पैकिंग में, जैसे मैंने पैकिंग के बारे में भी मेरे वीडियो में बताया हुआ है, उस तरह से पैक करके और आप बाज़ार में बेच सकते हैं, और आप अपने उपयोग के लिए भी अपनी फसल में उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी बर्मी कंपोस्ट बनाने की जानकारी मेरी नई यूनिट के बारे में। इसी तरह के वीडियो आप चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।